कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी कांग्रेस के भविष्य के लिए पार्टी की एकता को सबसे जरूरी बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एमपी में कमलनाथ की मुसीबत अपने ही बढ़ा रहे हैं। हनुमान के नाम पर कांग्रेस एमपी में कमाल करना चाहती है, लेकिन अपनों ने ही विरोध कर दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आने वाली कांग्रेस अब फ्रंटफुट पर खेलने की कोशिश में लगी है, और इसी कोशिश का नतीजा है नोटिस के शक्ल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ये निर्देश, जिसके मुताबिक 10 अप्रैल को रामनवमी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाए। मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों का टैग हटाने की कोशिश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही थी, लेकिन भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को ये आदेश नागवार गुजरा और उन्होंने इस फैसले को विचारधारा के खिलाफ बता डाला। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है और एक राजनीतिक संगठन को किसी एक समाज के लिए कोई परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए, और मैं विशेषकर ये चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों को ऐसे परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए। 2014 के बाद से कांग्रेस का साम्राज्य काफी सिकुड़ चुका है। हार की समीक्षा कर एंटनी कमेटी ने मुस्लिम तुष्टिकरण छवि को हार की सबसे बड़ी वजह बताया था, और कांग्रेस लगातार अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ने की अब कोशिश करने लगी है, लेकिन विरोध के सुर पार्टी से उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।